दिल्ली के जेएनयू कांड की आग अब मध्य प्रदेश में भी पहुंच गई है। शनिवार को इस आग का धुआं दोनों ही बड़े दलों के कार्यालय में उठा। जेएनयू कांड को लेकर कांग्रेस भाजपा अपने तीखे तेवरों के साथ एक के बाद एक आमने सामने नजर आए। जहां एक ओर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने एक प्रेस वार्ता के दौरान देशद्रोही गतिविधियों और उसका समर्थन करने वालों के विरोध में 21 फरवरी को धिक्कार दिवस मनाने की घोषणा की। जिन्होंने देश के खिलाफ नारे लगाए उनका धिक्कार करेंगे। इस कृत्य में जो भी शामिल हो हम उसके समर्थन में कभी नहीं रह सकते। इस प्रकार की बात कोई भी करे हम उसकी निंदा करते। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने धिक्कार दिवस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कन्हैया का पक्ष लेते हुए कहा कि संघ विचारधारा के विरुद्ध भाषण देना क्या देशद्रोह है। मिश्रा ने भाजपा को राष्ट्रवाद पर खुली बहस की चुनौती देते हुए 22 फरवरी को संघवाद मुक्ति दिवस मनाने का ऐलान किया है। पूरे प्रदेश में जिला इकाइयां संघवाद से मुक्ति दिवस मनाकर 22 फरवरी 2016 सोमवार को देगी। इस दौरान प्रदेश के हर जिले में संघवाद के पुतले जलेंगे और विरोध प्रदर्शन होगा। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।